सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा नित्य प्रति आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता हूं जो आपके जीवन को सुखी और संकट रहित कर सके। तो आज का विषय है एक ऐसी बीमारी जिसको आज की मेडिकल साइंस के पास ना तो कोई इलाज है और ना ही वो उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और ना ही ये चीज़ कहीं डायग्नोज हो सकती है, चाहे आप अल्ट्रासाउंड करवा लें या कुछ भी करवा लें, यह बीमारी डायग्नोज भी नहीं हो पाती। बड़े बड़े अस्पताल कह देते हैं कि यह रोग अस्तित्व में ही नहीं है, महीनों इलाज करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं होता और उस सब का इलाज आपको मैं मुफ्त में आज बता रहा हूं। तो कृपा करके वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए तभी बात आपको समझ में आएगी। और सबसे पहले आप अगर हमारे मेंबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से आप उसमें घंटी का बटन भी दबा लें। अगर किसी और चैनल पर इसको देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लें, समझ गए। तो बात शुरू करते हैं। एक बीमारी होती है जिसको लोग कहते हैं नाभि का टलना, यानी नाभि का अपने स्थान से उखड़ जाना, इसको कहते हैं। अब मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स कहते हैं नाभि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उखड़ जाए या नाभि टल जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जिसको असहनीय दर्द होता है इसको तो वही जानता है, जब यह नाभि टलती है तो इतना भयानक दर्द होता है जैसे कि चाकू से काटा जा रहा हो, ऐसा नसों में दर्द होता है वहाँ नाभि के आसपास। कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन, कुछ भी काम नहीं आता। रोगी को पतले दस्त होते हैं और दिन में कई बार दस्त होते हैं, 8-10 बार भी हो सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की दवा काम नहीं करती। दर्द थोड़ी बहुत देर के लिए रुक सकता है, जिस समय दवा दी जाए उसको दर्दनाशक बकाया, फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। चलिए, जिस चीज़ का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है और तथाकथित सबसे विद्वान लोग जो अपने आप को समझते हैं उन डॉक्टरों के पास नहीं है, इसका इलाज गांव की सीधी सादी भोली भाली जनता के बीच में है और भारतवर्ष में ये परंपरागत तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये गुण होता है और वो बिना किसी पैसा लिए लोगों को ठीक करते हैं। आज आप भी जान लीजिए यह कैसे होता है। देखिए, जब कहीं खाली पेट आप होंगे और उस समय कहीं ऊंचे नीचे में पैर आपका पड़ गया, कहीं भी हो सकता है, सीढ़ी से उतर रहे हों या सड़क पे चल रहे हों या कहीं ऐसी जगह चल रहे हैं जहीं, तो अचानक ये पेट आपको पेट में नाभि के आसपास भयंकर तीव्र, इतना तीव्र दर्द होता है कि व्यक्ति का ध्यान सारा का सारा वहीं लगा रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता उस समय। अब इसमें क्या कहा जाए कि कोई दवा इंजेक्शन वगैरह काम भी नहीं करते, तो इसकी पहचान क्या है? एक तो ये इस प्रकार का दर्द, दूसरे आप नाभि में अपनी उंगली रखिए,
तो सामान्य लोगों की नाभि में जब उंगली भीतर तक थोड़ा सा दबा के रखते हैं तो यहाँ टकोर पड़ती है, नाभि के बीचों बीच यहाँ पर स्पंदन सा महसूस होता है, अग्रभाग में बीचों बीच नाभि में रहता है। और जब ये दर्द शुरू होता है, नाभि उखड़ती है, तो ये स्पंदन वहाँ पर प्रतीत नहीं होता, वो कहीं अगल बगल होता है, वहाँ पे नहीं होता है। इसी को नाभि का टलना कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि कैसे ठीक करेंगे, बिल्कुल बिना पैसे का इलाज है, आपके कहीं पैसे खर्च नहीं होंगे और बिना कुछ जाने जो इलाज हुआ करता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती करके, वो कुछ नहीं होगा, मात्र 2-3 मिनट में ये रोग आपका ठीक हो सकता है। कैसे, तो देखिए, आप जिसको ये दिक्कत है उसको मरीज को सीधे समतल जमीन पर मतलब किसी तखत में जिसमें गद्दा इत्यादि पड़ा हो या दरी पड़ी हो, खाट में नहीं करेंगे, तखत में करेंगे या धरती पर चटाई बिछा करके लिटा दें, सीधा हो जाने के लिए कहें। और इसमें क्या होता है कि जब आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप इस पैर को देख रहे हैं, इस पैर को आप देख रहे हैं, तो इस पैर में इस जगह पर आप ये इस जगह पर कुछ नसें होती हैं यहाँ पर, तो इसको ऐसे पकड़ करके इस नसों में ये जो ये होती है यहाँ पे ऐसे आर्टरी ये मोटी सी, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ऐसे खूब ज़ोर से दबाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ी देर, तो हालांकि मरीज को यहाँ भी बहुत तेज़ दर्द होगा। और इसी प्रकार से आप दूसरे पैर में करेंगे, तो 2-3 मिनट यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से इन नसों को दबाने से, एक्यूप्रेशर मान लो या जो भी मान लो, यहाँ पर दबाने से 5 मिनट में ही ये दर्द आपके नाभि का ठीक हो जाता है। अब धीरे से मरीज को सहारा दे करके आप उठाएंगे, धीरे से मरीज को उठाएंगे और पेट में कोई अंगोछा या कुछ बांध देंगे, थोड़ी देर वो आराम करेगा और उसी समय उसको कुछ खाने को दे दें, दर्द दूर हो गया है, अब वो खाली पेट चले ना, वहीं पर उसको कुछ खिला दिया जाए और इसके बाद में फिर वो 1 घंटे आराम कर ले, उसका रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको इलाज बताया। दूसरा तरीका ये है कि मरीज को लिटा दें और पेट खोल लें, मरीज को लिटा करके यानी कि कपड़े कमर तक के ऊपर के उतार दिए जाएं उस समय, या केवल पेट ही खोल ले और पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। इसके बाद एक लोटा लेते हैं आप, लोटा, और लोटा लेकर के, लोटा कहीं से भी, आजकल जैसे गिलट के लोटे आते हैं, इस प्रकार के लोटे लेने चाहिए, गिलट के या कांसे के लोटे होते हैं, पीतल के लोटे होते हैं चिकने वाले, वो लेकर के आप एक तो उसको अलग रख लीजिए। अब क्या करेंगे कि एक आटे का दीपक बनाएंगे जिसमें तेल और रुई से उसको उसमें एक दीपक जलाएंगे। आटे का ले सकते हैं, आटे का इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपके कहीं जले ना, आटे का ही दीपक बनावे और उसकी बत्ती इस प्रकार की बनाई जाती है जो उसके किनारों को न छुए, बीच में जैसे आजकल अखंड ज्योत जलती है, इस प्रकार से आप वहाँ बीच में दीपक जला दें। जलाने के बाद में क्या होगा, उस दीपक को बीच नाभि में रख देते हैं,
इसके बाद क्या करते हैं, उस लोटे को औंधा करके उसके ऊपर रख दिया जाता है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दीपक वो बुझ जाएगा। जब दीपक बुझ जाता है तो दीपक के बुझने के बाद में उस लोटे को ताकत लगा करके ऊपर को खींचा जाता है। इस प्रकार से खींचा जाता है कि ना अभी भी खींचे चली आवे ऊपर की ओर, थोड़ा सा उसमें भार लगे। अगर जरा भी आपने टेढ़ा कर दिया तो बगल से उसमें हवा घुस जाएगी और फिर वो आपका प्रयास बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर सीधे सीधे उसको खींचना होता है और जब आप खींचते हैं तो बड़ी एक आवाज़ होती है, तब वो लोटा निकलता है। भीतर दीपक बुझ चुका होता है। पुनः उस दीपक को जला करके और फिर उसी प्रकार से ऐसे 3-4 बार करते हैं तो वो नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। अब इस प्रक्रिया को जैसे देखना हो आपको कि कैसे दीपक बुझेगा और कब बुझ गया है, इस प्रकार से अगर देखना हो तो कांच का, लेकिन कांच का सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा ही रहेगा कि वही जो गिलट का लोटा होता है उसी से आप करें। दीपक तो थोड़ी देर में बुझ ही जाएगा और उसके बुझने के बाद ही आप उसको निकालें, क्योंकि अगर पहले निकाला गया तो हो सकता है कि वो दीपक इधर उधर हो जाए और वो त्वचा में लग जाए, जल जाए। इस प्रकार से तो वो दीपक जो है बड़ा बनाना चाहिए, बहुत ही सावधानी से ये क्रिया करें। ऐसा करने से भी 3-4 बार करने से नाभि ठीक हो जाती है। इस प्रकार से आप करके जीवन जब तक ये मतलब नाभि तो कभी टल सकती है, लेकिन त्वरित फायदा मिल जाता है और हो सकता है कि आपकी नाभि कभी ना उखड़े, हो सकता है 2-4 साल बाद उखड़े, वो एक अलग बात है। वो तो जब गलत पैर पड़ जाएगा कहीं तो उखड़ सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि ज़्यादा मतलब बिना खर्चे के आपका ये काम बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। हरिओम।